हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरियो में दोस्तों आपने बहुत ही शानदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का एक मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन हमारे पास अभी तक आए हैं इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहें दोस्तों हम आपको हंड्रेड रियल क्वेश्चन कराते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से एग्जाम फोरियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलैकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको यहाँ पर हर एक शिफ्ट का एनालिस टाइम टू टाइम देखने को मिल सके अगर आपका नेक्स्ट डे एग्जाम होता है नेक्स्ट शिफ्ट एग्ष्ट में एग्जाम होता है तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ से चार से पाँच क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए एक क्वेश्चन आया था विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है आपका तेरह फरवरी को ऑप्शन में दे रखा था तेरह फरवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट एक क्वेश्चन था विश्व आर्थिक मंच 2021 का आयोजित किया जाएगा तो ये किया जाएगा आपका सिंगापुर में सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हुमायूं नामक की रचना किसने की थी हुमायूं नामक की रचना की थी गुलबदन बेगम ने गुलबदन बेगम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में दे रखा था नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की है आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना आपका राइट आंसर था बैंक ऑफ बड़ौदा नेक्स्ट देख लेते हैं एक क्वेश्चन था रेडियो धर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है तो दोस्तों रेडियो धर्मी प्रदूषण मापने की इकाई आपकी बैकुरल बेकुरल, बेकुरल आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट एक क्वेश्चन था संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक आपका राइट आंसर हो जाएगा एक क्वेश्चन आया था मर्डे का कप किस खेल से संबंधित है तो दोस्तों मर्डे का कप है आपका फुटबॉल से संबंधित फुटबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है आपके लिए हेल्पफुल है फटाफट से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एग्जाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको यहाँ पर हर एक शिफ्ट का एनालिसिस टाइम टू टाइम देखने को मिल सके एक क्वेश्चन आया था अहमदाबाद स्थित अबेघाट किसका समाधि स्थल है तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है अबेघाट जो अहमदाबाद में स्थित है एक क्वेश्चन था विटामिन ए किस में संचित होता है तो विटामिन ए जो संचित होता है यकृत में यानी लीवर में होता है आपका राइट आंसर था यकृत में नेक्स्ट देख लेते हैं एक क्वेश्चन दे रखा था पी बराबर छ जे बराबर चार एल बराबर आठ एम बराबर चौबीस तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी तो एम कितना है चौबीस गुना जे यानी चार डिवाइडेड बाई एल से आठ प्लस चार आठ से कट जाएगा तीन बार चार ती बारह और चार सोलह आपका राइट आंसर था इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था आई होप आपके सोल्यूशन में समझ में आ गया होगा नेक्स्ट एक क्वेश्चन था भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जिसका भी नेक्स्ट डे नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके उनको भी पता चल जाए कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एक क्वेश्चन था भारत का अंतिम वायसराय कौन था लॉर्ड माउंट था भारत का अंतिम वायसराय आपका राइट आंसर हो जाएगा एक दे रखा था क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा था क्या वैल्यू आएगी तो इसमें क्या करना था ग्यारह का स्क्वायर आपका हो गया वन ट्वेंटी वन और ग्यारह की गुणा करनी थी दो में यानी बाईस ये दोनों ऐड करने थे एक सौ इक्कीस प्लस बाईस एक सौ तैतालीस आना था ऐसे ही यह करना था पंद्रह का स्क्वायर आपका दो सौ पच्चीस और पंद्रह गुणा दो तीस दोनों को ऐड करना था तो दो सौ पचपन आपका राइट आंसर था इस टाइप से आपको यह क्वेश्चन सोल्व करना था आई होप आपके सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज कहाँ स्थित है तो दोस्तों ये आपका बेंगलुरु में बेंगलुरु आपका राइट आंसर हो जाएगा एक क्वेश्चन आया था मैग् से अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था विनोबा भावे था मैग्सी से अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय आपका राइट आंसर था विनोबा भावे नेक्स्ट एक क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश नेक्स्ट देख लेते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था तो अठारह में हुआ था आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट एक क्वेश्चन था दोस्तों किस खेल के साथ सब जुड़ा हुआ है तो सब जुड़ा हुआ है बोट रेसिंग के साथ बोट रेसिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे मिला बजरंग पुनिया को दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट एक क्वेश्चन था परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है नील्स बोर के द्वारा दी गई है परमाणु संरचना की वर्तमान अवधारणा आपका राइट आंसर था नेक्स्ट एक क्वेश्चन था किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का जन्म दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है वो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका राइट आंसर था मेजर ध्यानचंद एक क्वेश्चन आया था केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो दोस्तों शिमला में स्थित आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका राइट आंसर था शिमला नेक्स्ट एक क्वेश्चन है था हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है तो बैंक ऑफ बड़ोदरा ने शुरू किया है आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना आपका राइट आंसर था तो दोस्तों ये थे आपके जो पेपर हुए दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का उससे रिलेटेड हमारे पास आपके ये क्वेश्चन आ पाए फर्स्ट शिफ्ट का एक मार्च का मैंने इस वीडियो में आपको कवर कराया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एग्जाम यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको यहाँ पर हर एक शिफ्ट एनालिसिस टाइम टू तो टाइम देखने को मिल सके तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत